सशस्त्र सीमा बल भारत और सिंधूर बल के जवान जो है वो लेकर जा रहे हैं। कुछ ही देर में फ्लैग ऑफ जो है वो यहाँ से किया जाएगा हुआ है। और फिलहाल बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर हाथ हिलाते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल जब बच्चे ये अपनी जर्नी को इंजॉय कर उसका तो हम उसी हिसाब से सैंक्शन तो हम अमाउंट पहले करवा देंगे। कि अगर हम बात करें तो DIG राजेश टिक्कू जो है वो फिलहाल अब फ्लैग ऑफ कर कर उस गाड़ी को जो है वो यहाँ से रवाना करेंगे। सुरेंद्र गेट से बाहर ले जा। मैं स्वागत करता हूं सिवान। आज सातवीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा इसके कार्य क्षेत्र भारत दर्शन यात्रा की फ्लैग ऑफ सेरेमनी आयोजित की जा रही है। भारत दर्शन चयनित 25 जो हमारी और कैप्स प्रदान किए गए हैं, यह भारत दर्शन यात्रा रहेगी। इस दौरान जो यूथ हैं वो लोकल सरखेज रोजा बसपुर लेक उसी तरह से इंडियन के परिसर में, जैसे कि मैं समझता हूँ आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक गए हों, अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वगैरह देखा हो और यहाँ जम्मू तक आए हों, शायद ही कोई केवड़िया वगैरह गया हो। तो आप सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये नई जगहों को देखने का। आप केवड़िया जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में आप लोग हमारे हेडक्वार्टर को भी विजिट करेंगे जहाँ पे आप हमारे उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है चीज़ों को सीखने का, समझने का। आप लोगों को इसमें कई चीज़ें नई नई भी समझने को मिलेंगी और उन चीज़ों को समझने से आपका आउटलुक में बहुत फ़र्क आना चाहिए जो मैं समझता हूँ। ये कार्यक्रम जैसे कि अभी हमारे टूर साहब ने बताया, हम हर साल आयोजित करते हैं और पिछले साल भी हम लोगों ने टूर ऐसा ही भारत दर्शन का ऑर्गेनाइज करा था जिसमें हमारे यहाँ से आप ही के इलाके से कई लोग वो विजिट जगहों को विजिट करके आए थे और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग उनसे भी मिले होंगे और उन्होंने भी अपनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर की होंगी और वो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही आप लोग को भी एक मतलब एक मोटिवेशन मिला होगा कि हम भी बाहर जाएं और देख के आएं हमारा देश डोडा से आगे, जम्मू से आगे क्या क्या है, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ की उनका रहन सहन वगैरह सब देखने को आपको मिलेगा जो कहीं ना कहीं हमारे जो आउटलुक है उसको शेप करता है। तो ज़रूर उस चीज़ को आप देखिएगा, समझिएगा और उन चीज़ों को बाद में अपने साथियों के साथ जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ शेयर करिएगा। बाकी कुछ आप फोर्स के साथ जा रहे हैं, आपको एक लोकल फोर्स के साथ रहने को भी मिल रहा है तो हमारी चीज़ों को भी समझने का कोशिश करिएगा कि हम लोग कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं और आप लोग भी जब आगे जा रहे हैं तो उस डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करना है जो आप लोगों को के साथ में हमारे फगेलिया साहब जा रहे हैं और दो साथी और हमारे जा रहे हैं तो वो जैसे आप लोगों को बता रहे हैं उसी हिसाब से आप अपना कहने के हिसाब से चलते रहिएगा। बाकी अपने घर वालों से भी ज़रूर संपर्क करके रखिएगा क्योंकि घर वाले भी आपके जब आप बाहर जा रहे हैं उसके साथ हालांकि उनको कॉन्फिडेंस है तभी तो उन्होंने आपको हमारे साथ भेजा है कि हमारे बच्चे जहाँ पे भी जा रहे हैं सुरक्षित हैं, महफूज हैं। तो आप अपने घर वालों के साथ टाइम टू टाइम पर ज़रूर बातचीत करिएगा ताकि उनको भी यकीन रहे कि आप जहाँ पर भी हैं सेफ हैं, सिक्योर हैं और नई नई जगहों को जो आप देख के आ रहे हैं उनके बारे में भी बताइएगा। मैं डोडा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा, एड्रेस बर्थ बगला का रहने वाला हूँ। यहाँ से भारत दर्शन करने का कितना मनोबल बढ़ाएगा और कितना कुछ सीखने को मिलेगा युवाओं को जो यहाँ इस टूर पे जा रहे हैं? मनोबल तो ज़रूर बढ़ेगा इन सबको, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। शायद ही इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डोडा से बाहर
आए हुए हों या जम्मू से बाहर गए हों, तो एक अपॉर्चुनिटी इनको मिल रहा है बाई एयर ट्रैवल करने का और बाद में इतनी जगहों को देखने का, तो बट नेचुरल आदमी एंथुजिएस्ट तो रहता ही रहता है, तो ज़रूर इनका मनोबल बहुत बढ़ेगा इन जब जगहों को घूम के आने के बाद। हर साल क्या ये पहले निश्चित किया जाता है कि इस बार बच्चों को ही अलग जगह ले जाए या फिर सेम जगह पे प्रोग्राम रहता है जैसे गुजरात, दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, या फिर भारत दर्शन के दौरान अलग जगहें पहले चिन्हित की जाती हैं कि इस बार बच्चे यहाँ गए थे अगले साल यहाँ जाएंगे? नहीं, पहले से नहीं, जब भी हमारा प्रोग्राम बनता है उसी हिसाब से हम अपने सोचते हैं और उस हिसाब से जो है हम प्लान करते हैं कि किस लोकेशन पे बच्चों को भेजा जाए, और यह हर बार अलग अलग लोकेशन रहती है, ना कि रिपीट होता है। एक आपकी तरफ से तो अच्छा मैसेज जाता ही जाता है समाज में भी, लेकिन कुछ बच्चे और भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते होंगे, जैसे आज डोडा वासियों को मिला है, कल भद्रवाह की भी लोग कहेंगे कि हाँ भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो क्या रेगुलर ट्रेवल पे भी ऐसे होते रहेंगे प्रोग्राम्स? देखिए, हर जगह में कोई ना कोई फोर्स आज की डेट में डिप्लॉयड है J&K में, और जैसे कि टुवाइस साहब ने बताया MHA के द्वारा इसको फंड किया जाता है, और हर जगह जहाँ जहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है वहाँ वहाँ पर हर फोर्स ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है और लड़कों को स्पॉन्सर करती है, तो डेफिनेटली भद्रवाह के बच्चे भी जो वहाँ पे फोर्स डिप्लॉयड होगी वहाँ उनके माध्यम से बाहर दूसरी जगहों में विजिट ज़रूर कर। कितने दिनों का ये टूर है और क्या रूट रहेगा जम्मू से और वापसी कब तक होगी? ये 28 फरवरी से शुरू होगा और 6 मार्च को ख़त्म होगा, और यहाँ से ये लोग दिल्ली होते हुए केवड़िया और वापसी में दिल्ली में हमारे फोर्स हेडक्वार्टर्स में हमारे सीनियर अधिकारियों से मिलते हुए वापस जम्मू आएंगे। सर, आपकी तरह से कोई पैगाम रहेगा जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए? बस जो पैगाम यही रहेगा कि आप अपने देश के लिए काम करें, और जो भी गलत गतिविधियां आज की डेट में जो कोशिश कर रहे हैं उनसे दूर रहें, अपने देश को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में हमारी मदद।